बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजीम मैकेनिक और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। रमजानुल मुबारक स्टार्ट है, आपको पता ही है रमजान में काफी मसरूफियात होती है और किचन का काफी काम होता है। एक दो बार देखा होगा ये रिपेयर भी किया था, इसमें आज फिर प्रॉब्लम आ गया है। ये बंद हो गया चलते चलते, ये देख सकते हैं इसकी सारी पावर जो है ना वो बंद हो गई है। इसके अंदर कोई स्पार्क हुआ जिसकी वजह से धुआं निकला है। कुक आया था उसने पीछे से पावर इसकी बंद कर दी है। तो मैं ये सारे टूल्स वगैरह लेके आया हूँ, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको खोलते हैं, खोल के इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आया। ये इलेक्ट्रिकल रेंज है सारा, ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रिकल ही है। तो हम लोग इसको खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम। शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं सारी तारें इसकी मेल्ट हो गई हैं। असल में इसका जो कनेक्टर है ना, ये देखें, ये वाला कनेक्टर इसका ओरिजिनल कनेक्टर होता है जिसकी वजह से ये खराब नहीं होता। तो ये कनेक्टर हमारे टूट गए थे लास्ट टाइम, तो नए ऑर्डर किए हुए अभी तक आए नहीं है। तो मैंने क्या किया था, तारें जो है डायरेक्टली लगा दी थी, मेरा ख्याल है एक महीना चली है, दोबारा इसकी तारें जो है ना मेल्ट हो गई है। तो मैं इसकी जो तारे हैं ये सीधी करके दोबारा लगा देता हूँ, इंशाल्लाह हमारा काम तो चल जाएगा। लेकिन इसका जो ओरिजिनल कनेक्टर है वो जब तक नहीं आएगा उसके बगैर ये काम सही नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ये मैं अभी टेम्परेरी इसका काम चला दूंगा, जैसे ही मेरे पास वो कनेक्टर आएगा तो मैं इसका जो है कनेक्टर लगा के इसको सारी तारें अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगा इंशाल्लाह। ये देखें ये भी मेल्ट हुई है, तो मैं इसकी जो तारें हैं ये छील के अच्छे से इसके कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसके साथ। उस्ताद जी जो तुमने बोल दिया कनेक्ट का बात कर दिया, ये कनेक्ट को पहला शॉर्ट हुआ क्या हुआ इसको? इसके अंदर कनेक्टर था ना ये वाला, ये अंदर जो नजर आ रहा ना ये वाला, यहाँ पे भी एक कनेक्टर होता है जी, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे होता है, ये भी टूटा हुआ। तो ये यहाँ से जब टूट गया था तो शॉर्ट सर्किट हो गया था, तारे आपस में सारी मिल गई थी, ये थ्री फेज तारे हैं, ठीक है जी उस्ताद। ये तारे आपस में शॉर्ट सर्किट होके तो ट्रिप हो गई थी पीछे से लाइट जी उस्ताद, पूरे किचन की जो लाइट थी वो बंद हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया था, इसकी तारे जो है ना सेपरेट सेपरेट करके इनको कनेक्शन कर दिया था सारा। आपको पता ही है यहाँ पे हम लोग रेगिस्तानों में डेजर्ट में रहते हैं, तो यहाँ पे तो कोई चीज मिलती नहीं है, जो भी सामान हम लोगों ने मंगवाना है वो मस्कत से ही मंगवाना है। तो वो मस्कत से सामान आएगा ही तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, अगर सामान नहीं है हमारे पास तो फिर हमारा वही है पाकिस्तानी जुगाड़ ही हमें करना पड़ता है। सही उस्ताद, उस्ताद बिस्मिल्लाह करेगा, काट कर बनाएगा दोबारा, इसको भी काट देंगे। कनेक्टर मेरे पास दूसरे ये पड़े हुए हैं प्लास्टिक वाले, ये दो तरह के मेरे पास कनेक्टर पड़े हुए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ठीक है। और ये वाले ये घरों में इस्तेमाल होते हैं, आपको पता ही है, ये बिजली में इस्तेमाल करते हैं, ऊपर पेन के लिए इस्तेमाल करता है, हाँ लाइट के लिए इस्तेमाल करता है, ये बिजली के कामों में इस्तेमाल होते हैं, ये वो नॉर्मल कनेक्टर है, ये चलते नहीं है यहाँ पे, लेकिन टेम्परेरी लगा देंगे, क्या करेंगे। क्या जल गया था आजम भाई? सेम वही वही है, तारे जल गई थी, बस क्या करेगा यार ना भाई, हो गया काम क्या? अरे भाई एक बार ऑन करी पावर सर, कनेक्शन इसके कर दिए हैं, अब चला के चेक करते हैं कितना टाइम निकलेगा, जितना टाइम निकलेगा उतना निकालेंगे, कनेक्टर आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसका कनेक्टर लगा के इसकी सारी तारे सीधी कर देंगे इंशाल्लाह। तो टेम्परेरी हम लोगों ने किया, देखते हैं कितना टाइम चलता है। देखते हैं कितना टाइम। तो फ्रेंड्स ये हमारा काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है,
ये किया तो हमने टेम्परेरी है, ये परमानेंट काम नहीं है। इसके कनेक्शन जल गए थे वो हमने रिमूव करके दूसरे कनेक्शन कर दिए ताकि हमारा जो काम चल जाए। आपको पता माहे रमजान है तो रमजान में तैयारी तो करनी, सामान बनाना होता है, उधर चेक करवाएं। हमारे जो कुक है वो भी अभी आए हैं। तो भाई ये लगाना है इधर, ये है किस चीज का स्टैंड है? ये यहाँ पे चाहिए आपको। ये ब्लेंडर का एक स्टैंड था वो भी इनको चाहिए था, वो हमने लगा दिया। चलो उसे ट्राई भी कर लेते हैं। हाँ ट्राई करके देखें। अच्छा जी, ये ब्लेंडर अभी हम लोगों ने नया मंगवाया, मतलब हमारे जो कैटरिंग क्रू है उन्होंने नया मंगवाया, पैनासोनिक का, अच्छा कंपनी है ये। तो हमें इसकी प्राइस का पता तो नहीं है क्योंकि हमारी ये कंपनी ने भेजा, तो हमें तो काम से मतलब है, हमने तो अपना काम चलाना है, हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है हमें। अच्छा ब्लेंडर है ये, काफी वजनी भी है। फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। तो आज की वीडियो यहां तक के लिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।